बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी बेटी बात कर रही हूँ। बहुत दुखी हूँ, मगर जब दुख में होती हूँ तो आपसे दुआ की दरख्वास्त करती हूँ अपने लिए। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हूँ, उसकी शादी नहीं हो रही है, होता है होते रिश्ता आप मना कर देते हैं और बात भी वो नहीं सुनती कोई मेरी। और प्लीज आप मुझे बताइए कि उसकी शादी से मैं फारिग हो जाऊं, अल्लाह मियां को एक गैर से अच्छा रिश्ता मुझे भेज दे और वो मेरी बात मानने लगे। वो कहना भी नहीं मानती। दुआ करिएगा मुफ्ती साहब मेरे लिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए, आपकी दुआएं हमारे एक में कबूल फरमाए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती और हर तरह की आफियतें जो है ज़ाहरी बात है दौलतों से माला माल फरमाए। ख़ास तौर पे आपकी बच्ची जो है वो उसकी शादी के लिए तैयार हो जाए, नेक जगह पर रिश्ता उसका हो जाए, आपकी भी इताअत गुजार हो जाए, तो हम दिल से दुआ करते हैं। बाकी पढ़ने का नोट कर लें, सूरत फुरकान की आयत नंबर 74, सूरह फुरकान की आयत नंबर 74, ये 41 टाइम पढ़नी है। वो मशहूर जो दुआ है रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन, ये वाली जो पूरी दुआ है ये 41 टाइम पढ़नी है। वो उस बच्ची की शादी की नीयत करके एक अच्छा रिश्ता मिल जाए और उसी में उसकी इताअत की नीयत करनी है कि वो आपकी आंखों की ठंडक बने और आपकी मुती बन जाए। तो ये पढ़ने के बाद एक कप पानी पर दम करें या वो चीज़ जो वो खाती हो उसके ऊपर दम कर लें, वो उस बच्चे को खिला दें, पानी पिला दें। अगर पानी पिलाना मुमकिन ना हो तो वो पानी पौधों के अंदर डाल दे, फूलों के पौधों तो बहुत अच्छा है, वरना किसी भी पौधों में घास में पानी डाल दिया करें, और ताकि दुआ करें कि इसकी तासीर जो है उस बच्ची तक पहुंच जाए। इस नियत से ही शुरू कर लें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, और ये आपने 71 डेज अमल करना पाबंदी से, इंशाल्लाह वो ताबेदार भी हो जाएगी और नेक और अच्छा रिश्ता भी उसको नसीब हो जाएगा। मैं भी दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया हजरत।